नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने वर्ष 2022-23 का बजट निगम सभागार में पेश किया। महापौर ने अपने अभिभाषण में विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। इस दौरान सभा कक्ष में महापौर परिषद के सदस्यों के साथ पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित थे। नगर पालिक निगम भिलाई का बहुप्रतीक्षित बजट बुधवार को महापौर धीरज पाल ने प्रस्तुत किया। महापौर गोधन से बना ब्रीफकेस लेकर महापौर परिषद के सदस्यों के साथ सभागार पहुंचे। राष्ट्रगान और राजकीय गीत के पश्चात सभापति गिरिवर साहू बंटी की अनुमति से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति की अनुमति से महापौर नीरज पाल ने बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभिभाषण के बीच में ही पार्षद पीयूष मिश्रा ने कुछ बोलना चाहा, जिस पर सभापति ने इसकी इजाज़त नहीं दी। महापौर नीरज पाल ने अपना बजट अभिभाषण में कुछ इस तरह से जानकारी दी। वर्ष 2022-23 हेतु नगर निगम भिलाई के अनुमानित बजट के प्रमुख बिंदु एवं आधार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश एवं माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 172.75 एकड़ जमीन नगर पालिक निगम को भिलाई को दिनांक 22 जनवरी 2022 को हस्तांतरित कर दी गई, जो कि नगर निगम भिलाई के लिए एक ऐतिहासिक कदम। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के निर्देश पर वर्षों से लंबित मांग के अनुरूप हुडको की रजिस्ट्री तथा छावनी में CSIDC की भूमि में पट्टा प्रदाय करने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। भिलाई को एक पहचान दी जाए, भिलाई के नागरिकों को एक आदर्श है और तेजी से आगे बढ़ती दुनिया को दुनिया की दौड़ में समकक्ष खड़ा करने कुछ बड़े फैसले लिए जाने का समय और इस फैसले का यह सदन साक्षी रहेगा। हमारे सभी पार्षद सत्ता पर विपक्ष हमारे पास प्रियदर्शनी परिसर दक्षिण गंगोत्री से लेकर रविशंकर शुक्ला मार्केट का कमर्शियल क्षेत्र है, जिसके माध्यम से यह नगर पालिका निगम कार्यालय भवन भी स्थापित है, जिसे भिलाई नगर स्टेशन के समीप भव्य नवीन नगर निगम कार्यालय के निर्माण की योजना है। इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र को कमर्शियल क्षेत्र रूप में तैयार करने का प्रस्ताव किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ कि ये आकार गंगा से लेकर जो अभी हमारा नगर निगम क्षेत्र है और उसके पहले दक्षिण गंगोत्री व्यवसायिक क्षेत्र से लेकर रविशंकर शुक्ला मार्केट तक का एक पूरा एरिया एक कॉमर्शियल हब के रूप में विकसित हो पाएगा, भिलाई कॉमर्शियल हब बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ सके और आने वाले वर्षों में प्रदेश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल प्लानिंग के रूप में स्थापित हो सके। आज राजधानी रायपुर मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चारों राज्यों का मुख्य व्यवसायिक केंद्र होने के साथ ही साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जिसके कारण भिलाई को व्यवसायिक हब बनाने में मदद मिलेगी। आज भिलाई में प्रदेश का पहला मदर मार्केट बनकर तैयार हो चुका है, जिसके साथ ही प्रदेश की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना सी मार्ट, जिसमें हमने पारिवारिक कुटीर एवं लघु निर्मित उत्पादों का क्रय विक्रय इसके माध्यम से किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों के उद्यमियों को लाभ मिल सकेगा। अंतर्गत विभिन्न समस्याओं जैसे शिकायतों का तत्कालीन निराकरण कर हितग्राही फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कार्रवाई जबरदस्त कराया जाएगा। संगठन हो, विचार हो, इस शहर के हर व्यक्ति ने केवल भिलाई का बदला चाहा है, आगे इसे आगे बढ़ाने और बढ़ता देखने की बात कही है। आज इस नगर निगम के सभागृह में कई नए चेहरे हैं, युवा चेहरे, इसके पीछे भी एक बड़ी सोच और दृष्टिकोण है जिससे युवा नेतृत्व शहर में तैयार हुआ है। आज इस सदन में मेरे बहुत से पुराने साथी आज साथ नहीं है, ईश्वर की नीति के सामने हम सभी नतमस्तक हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं का सम्मान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आज इस शहर के प्रथम सेवक के रूप में इन सभी जनों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैं काम करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। पिछले दो वर्ष पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुका दिया, लेकिन यह कोरोना भी हमारा मनोबल कमजोर नहीं कर सका। पूरा शहर इस महामारी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा और एक विषम परिस्थिति से हम बाहर आए। इस दौरान इस महामारी ने हमारे बहुत से साथियों को छीन लिया। मैं सदन के माध्यम से उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसने जन सेवा की भावना के लिए एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन मेरे नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने मुझे महापौर के रूप में भिलाई की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय गृह मंत्री कामराज साहू जी, माननीय नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, माननीय जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय दुर्ग लोकसभा के सांसद श्री विजय बघेल जी, माननीय भिलाई नगर निगम के समस्त एमआईसी सदस्य पार्षदगण के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, पिछले 3 वर्षों में भिलाई में जो सार्थक बदलाव हुए हैं, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद रोजगार मूलक योजनाओं और आम आदमी के आय को ध्यान में रखते हुए काम किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की जन भावना सर्वोपरि रही है। मैं छत्तीसगढ़ की जन सरोकार से जुड़ी सरकार के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राम राज्य सुशासन, सर्वधर्म समभाव, समान अधिकार एवं समान न्याय प्रणाली का प्रतीक होता है। राम राज्य सबसे प्रथम अपने कर निर्धारण के लिए जाना जाता था। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बरसत हरसत सब लिखे, करसत लिखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुहाग से भापू सोनु सो होए। जैसा सूर्य भाप के रूप में नदी नालों सभी से छोटा छोटा अंश लेता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसी भाप को वर्षा के रूप में लौटाता है तब प्रत्येक जीव जंतु मानव से लाभान्वित होता है। ठीक उसी प्रकार हम टैक्स ऐसा लें। महापौर नीरज पाल के बजट अभिभाषण के तुरंत बाद पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में टैक्स सहित अन्य मुद्दों को लेकर काफी समय तक तीखी बहस होते रही। सभापति दोनों पक्षों के पार्षदों को अपने स्थान पर बैठने और शांत कराने बराबर दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन सदन का माहौल गरमाया रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, महापौर जी ने अपने अभिभाषण में ये बोला कि हम इस बार शहर के लिए कोई टैक्स नहीं बढ़ा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पिछला बजट था, जो प्रशासक जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या अंगीकार किया गया था, इस अवधि में, एक साल की अवधि में क्या टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है? इस अवधि में कोई टैक्स की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। बजट के बाहर की चर्चा हो तो बता दे मेरे को। इस साल टैक्स नहीं बढ़ाया गया, इस साल जो है टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मैं अध्यक्ष जी ये जानना चाहता हूँ कि जो एक साल की अवधि अभी बीजेपी यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी नगर निगम में, उस अवधि में टैक्स में बढ़ोतरी की गई है कि नहीं, मेरा साधारण सा प्रश्न है और कुछ मैंने पूछा ही नहीं। अभी मोदी जी, मेरा एक निवेदन है, जब आपसे कोई बात कर रहा हूँ बैठ जाइए। आपका प्रशासक का जो भी बात है ये जी बैठ जाइए। आपका उत्तर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का अवगत कराना चाहता हूँ। इस वर्ष बजट के माध्यम से ठीक बनाकर वृद्धि नहीं की गई। सदन के सभापति अध्यक्ष जी, अगर आप किसी बात को बोलेंगे तो वो एक सदस्य के लिए, सभी के लिए है। सभी के लिए बात है अध्यक्ष जी। हम केवल आपसे यही निवेदन किए हैं कि इस सदन में बैठा प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि आप उसको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बात आपने रखिए, समय का देते हैं। बिल्कुल बात करो,
बजट में महापौर ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सब्जी मार्केट व्यवस्थापन, गार्डन एवं उद्यानिकी, मार्ग सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, वेंडिंग जोन, फिट भिलाई मूवमेंट, होर्डिंग फ्री सिटी आदि को अभिभाषण में उल्लेखित किया है। बजट में हर वर्ग को लाभान्वित करने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर न लेने की बातें कही गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।